है तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। सुरुचि बोली चली जाओ, चली जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? और रहना है तो घर पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, फिर कहां रहोगी? खेतों पे रहना होगा, वो भी चिड़िया का उड़ाने होगी। चिड़िया और काग उड़ाने होंगे, एक शेर जो दिए जाएंगे। इतनी बात यदि मंजूर है तो रह सकती है, अन्यथा तेरी जहां मर्जी हो वहां चली जाइए। बड़ी रानी कहने लगी हमें मंजूर है, जो सौते मेरी कहीं रही बिल्कुल नहीं हमको उजर। एक शेर जो मोई बहुत है ये तने मैं कर लू गुजर। एक शेर जो हमारे लिए बहुत है, बड़ी रानी को घर से निकाल दिया, खेतों पर झोपड़ी डाल दी और छोटी रानी महलों के अंदर चली गई। बड़ी रानी जब खेतों पर रहने लगी सज्जनों, धीरे 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 समय गुजरता चला गया। उस बड़ी रानी को खेतों पर रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन दिल में एक बात आई कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है। मन ही मन में विचार करने लगी, मरने की आस लेकर के वो रानी सुनीति उस झोपड़ी को छोड़ देती है और वन में चली गई मरने के लिए। तो देव ऋषि नारद से मुलाकात हो गई। महात्मा नारद ने सुनीति को रोक लिया, बेटी कहां जा रही हो? जवाब दिया, बाबा जी मैं मरने को आई हूं। बोले क्यों? जवाब दिया सुनीति ने, मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ तो मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया और जो दूसरी पत्नी आई उसने हमें घर से निकाल दिया। नारद कहने लगे बेटी घर लौट जाओ, तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरे बच्चे का नाम रहेगा, लौट जाओ। सुनीति बोली लौट जाओ, अभी तक तो जानती थी दुनिया वाले झूठ बोलते, लेकिन अब तो समझ गई लाल पीले वस्त्र पहनने वाले महात्मा भी झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पति हमारे पास कभी न तो आएंगे और न ही आते हैं, अब तुम ही बताओ बाबा संतान कैसे होगी। तो नारद कहने लगे बेटी और ऐसा पुत्र होगा बेटी भगवान का भक्त होगा। नारद ने सुनीति को प्रसाद दिया है, सुनीति ने वो प्रसाद खाया और वहां से चली आई। दोस्तों ऐसा ही नहीं, लेट गई है आए लाती भरी
नारद के हाथ का प्रसाद खाया और चली आई है। उसी झोपड़ी में आके लेट गई। नारद ने कहा था एक दिन तुम्हारे पति तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। देखिए कैसा था विधि का विधान। वो रानी तो झोपड़ी में आके लेट गई और इधर महाराज उत्तानपाद वन में गए हैं शिकार खेलने के लिए। एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर चले गए। जब इन्हें संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गए, वापस आए हैं। छोटी रानी सुरची के द्वार पे पहुंचे, जाके बाड़े बंद थे। महाराज ने कुंडी खटखटाई। रानी सुरची, क्या दासिया भी सो गई? अरे मैं कह रहा हूं कि बाड़े खोलो। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, लेकिन हुआ ऐसा वो छोटी रानी अरे सो का नींद सोई गई रानी। छोटी रानी सोई गई। कभी नहीं जागना, अभी तो हमारे एक रानी और है, आज हम वहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जागो, कभी नहीं जागो। बड़ी रानी सुनीति गर्भ धारण करती है। सवेरा हुआ, महाराज जिस समय वापस आए हैं छोटी रानी के द्वार पे। छोटी रानी द्वार पे खड़ी थी और जैसे ही उत्तानपाद को देखा पूछ लिया, क्यों ए कहां रहे? मैं पूछ रही पूरी रात कहां रहे? महाराज सोचने लगे मैं इसे दब गया तो सिर पे सवार हो जाएगी। जवाब दिया, कहां रहे? अरे इसी द्वार पे पूरी रात खड़े रहे, और कहां रहे? सुरची बोली, मुझे मालूम है तुम हमसे छुप के सौत के आंगन में गए थे। महाराज बोले, जब देखे तब उसी के बारे में सोचती रहती है, जब देखे तब उसी की बात करती रहती है। जिस रानी को तूने दासी बना दिया और उस रानी को घर से निकाल दिया, अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो उसे जिंदा काय को छोड़ दिया। इस तरह से हमारे ऊपर शंका करेगी, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, आज के बाद मैं तेरे पास कभी नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। उत्तानपाद ने धमकी में ही छोटी रानी को दबा लिया। सुरची बोली, माफ करना, मुझे तो ऐसा लगा कि आप वहीं गए होंगे। कोई बात नहीं, भूल हो गई हमसे। कलाई पकड़ी, अंदर ले गई, स्नान करवाया, भोजन करवाए, महाराज ने विश्राम किया।
बड़ी रानी उधर गर्भ धारण कर चुकी है, लेकिन कैसा था विधि का विधान, छोटी रानी सुरची भी गर्भ धारण करती है। लेकिन दोनों रानियों की किस्मत अलग अलग थी। एक ने किया गर्भ धारण उस दिन से पलंग न छोड़ा है, एक ने बराबर आज तलक खेत न पहना जब टोरा है, एक के लिए सुंदर भोजन दासियां बनाए के लाती है, एक के लिए चौकी रोटी संध्या तक मिलने पाती है। तो बड़ी रानी जौ की रोटी खा करके गुजारा करती है, खेतों पर चिड़िया और काग उड़ा रही है, और जो छोटी रानी है उस रानी की बड़ी सेवा हो रही है। कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सिर दबा रही है, कोई दासी शरीर दबा रही है, किसी दासी को जगह नहीं मिल रही, इतनी दासी पे दासी लगी जो दासी दासी कोई दबा रही है। बड़ी सेवा हो रही है। वक्त गुजरने के बाद बड़ी रानी से एक पुत्र पैदा हुआ है, उसके एक दिन बाद छोटी रानी से भी एक लड़का हो गया। ब्राह्मणों ने दोनों के नाम रख दिए हैं, बड़ी रानी के बच्चे का नाम रख दिया है धुरब और छोटी रानी के पुत्र का नाम रखा है उत्तम। छोटी रानी के लड़के का नाम उत्तम रख दिया, बड़ी रानी के बच्चे का नाम धुरब रख दिया। रानियों की किस्मत अलग थी, बच्चों की भी किस्मत अलग है। एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है, उस दुखियारी का लाल भला पत्तों पर डाला जाता है। बड़ी रानी का लड़का पत्तों में खेल रहा है और छोटी रानी का लड़का पालना में झूल रहा है। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं। धीरे 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 जब 5 वर्ष की उम्र होने को आई है ध्रुव की, एक दिन उत्तम में और ध्रुव में जब प्रेम हो गया तो उत्तम ने ध्रुव की कलाई पकड़ी और लेकर के चल दिया कहां, जहां महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा था। पहुंच गए, उत्तानपाद ने देखा आज उत्तम ध्रुव के साथ है। सोचने लगे उत्तम तो मेरे पास रोज ही आता है, ध्रुव पहली बार आ गया। उठाया ध्रुव को गोद में बिठा लिया, लेकिन उस सभा में एक नीच आदमी बैठा हुआ था। उस नीच आदमी को ये बात अच्छी नहीं लगी। चुगिला जानता को होता है, जहां 10 लोग बैठे होते हैं सबकी बुद्धि एक नहीं होती है, जहां 10 आदमी इकट्ठे होते हैं सबके विचार एक नहीं होते हैं। उस सभा में एक बैठा हुआ था जिसे ये बात अच्छी नहीं लगी, और जब तुम जानता ही हो हर जगह एक दो हो तो जरूर है। हाँ, यूं इतनी भीड़ है, माफ करें हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा ना है ज्यादा ना है, जाऊ गांव में एक तो ऐसो यही जाको जय काम जाओ रखी बाहर जाओ रखी बाहर बाहर। हाँ, चैन ही नहीं मिलता है। जब उस चुगिला ने देखा, क्योंकि काऊ काऊ की आदतें होती आदतें, और देखो आदतें आदत सुधरती नहीं है, कि चुगिल से मन की बात कहो पर चुगिल कबहू नहीं चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुतबयो मुतनौ की 11 कूटे गो। मन की बात बता दे, चुगला माने कबू ना माने, चुगला से मन की बात कहो कबू नहीं चूके गो, भैंसिया को तबाइयो पूनो की 11 कूटे गो। और पेड़ के नीचे ऊट करो, हे पेड़ के नीचे ऊट करो, तमन नहीं पत्ता सूटे गो, कुत्ता को कितनो समझ आइयो तो उठा के उठाए गई। बुरा आदमी मानता नहीं, अपनी आदत नहीं छोड़ता है, बुरा आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता नहीं मानता। जब उस चुगला ने देखा तो चुगला बहस से चुपचाप उठ गया।
मुकाबले आया है। बाद में अपने पति से बोली, अकल तुम्हारी कट गई है, पोती में गधा बिठाया। सुरची बोली, क्यों बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी? इस गधा को तुमने गोद में बिठा लिया, इस गोदी में बैठने के लायक है ये? बोली, सुरची ने धुरब से, इस गोदी में बैठने के लायक नहीं है। और बैठने के लायक इसलिए नहीं है, तूने पूर्व जन्म में भगवान का भजन नहीं किया, और भजन करता तो सौत का लड़का नहीं बल्कि मेरा लड़का होके आता। अब देखो जो सुरची की बुद्धि, जो कह रही है भजन करता तो मेरा लड़का होके आता, जो भजन करता है उसे दुनिया में आना पड़ता है? नहीं आना पड़ता। लेकिन जो सुरची जो कह रही है अगर भजन करता तो मेरी गोद से, मेरी कोख से जन्म लेता, और जो भजन करता है उसे तो स्वर्ग में जाना पड़ता है। और जब भजन करता तो सुरची की गोद से क्यों आता भैया? जब सुरची की कोख का स्वर्ग से भी बड़ी है, फिर भी सुरची को तसल्ली नहीं आई। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आई कि सुरची ने बिल्कुल ठीक ही कहा, सच कहा। हर किसी की तकदीर नहीं होती है, हर किसी की किस्मत नहीं होती है पैसा वाले घर में जन्म मिल जाए, ध्यान देना। हर किसी की किस्मत नहीं होती पैसा वाले घर में जन्म मिल जाए। बड़े बड़े अरबपति उद्योगपति जिनके दौलत के भंडार भरे हैं, नजर फैला के देखो, काऊ के एक लड़का, काऊ के कोई है ही ना। और काऊ के भगवान के दया से एक दो है सो अंग भंगा, कोई हाथ से ही न, कोई पैर से हो न, कोई आंख से ही न, कोई दिमाग से ही न। और भगवान के दया से जिनके घुटन नाना फुजत लगे लाल लगे, घर में जाएगे देखो लला की मम्मी ऐसे घूमती, हेमा मालिनी ऐश्वर्या राय जेई है, हाँ दूध की हड़िया में कुत्ता सीधो मोह डाल रहे हैं, बर्तन पड़े हैं जिनमें मक्खी लग रही है, छह दिन हो गए, औलाद ऐसे घूमत नाक पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चलती है। सुरची ने फिर भी तसल्ली नहीं ली, ध्रुव के गाल में ताड़ से तमाचा दिया और ध्रुव से कहा कि ओरे ध्रुव तेरे जैसी किसी को शैतानी न मिले, तुझे ऐसी जगह मारूंगी जा पानी न मिले, सुरची ने धोरब से आज के बाद देख लिया तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। अब क्या हुआ, धोरब वहां से रोते हुए चली आई, सिसकते हुए धोरब चली आई। और ये जो नोटों का हार पहना रही है, नोटों का हार पहना रहे हैं हमारे भैया छोटे यादव। छोटे यादव भैया की तरफ से जो नोटों का हार हमारे करीब आया है और हमारे साथियों को 10-10 रुपए से सम्मानित कर रही है। कामना करते हैं भगवान सुख शांति देता रहे, घर में धन दौलत से भंडार भरते रहे, आंगन में सदैव खुशियां बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बताया है श्री सुखदेव ने महाराज परीक्षित को, जिस समय ध्रुव वहां से चले हैं
अपनी मौसी के चेहरा को निहारते हुए धुरब्बा से रोते हुए चले आए। सुनीति ने जिस समय देखा है दूर से अपने बच्चे को आता हुआ, भागी, भाग करके ध्रुव को गोद में ले लिया, आंखों में आंसू आ गए। सुनीति के जवाब दिया, बेटा क्या हुआ, इधर से तुम हंसते हुए गए थे, उधर से रोते हुए आए मेरे लाल। बोली है वो मां कि किसने मारा है मेरा दुलारा, और बूढ़ी मैया की आखिर को सुनीति ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया, बेटा इधर आओ, इधर आओ। किसने मारा है मेरा दुलाला, बूढ़ी मैया की आंखें को तारा, किसने मारा है मेरा। इधर आओ लाला, क्या हुआ, उनकी नको कहा बिगाड़ा, तो एक किसने छैया मारा, सुनीति ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया, बेटा इधर से हंसते हुए गए थे, उधर से रोते हुए आए, तो ध्रुव कहने लगे, मां उत्तम भैया मेरी कलाई पकड़ के पिताजी के पास ले गया, जहां पर मेरी मौसी चली आई और मेरी मौसी ने मुझे बहुत मारा है मां। तो सुनीति कहने लगी, बेटा मौसी के मारने से तुम रोने लगे नहीं ध्रुव, मौसी के मारने से रोते नहीं, मौसी में और माँ में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। ध्रुव कहने लगे, मैया बात वो नहीं है, बात दूसरी है, मेरी माँ बबुला ने मैया प्यार से मोई गोदी में बैठा रो, उत्तम भैया मेरी कलाई पकड़ के पिताजी के पास लेके चला गया, जनों जवाब दिया है। ध्रुव ने कहा अपनी मां से कि मेरी मौसी ने मुझे मारा, लेकिन मौसी के मारने का दुख नहीं है, मेरे पिता ने एक भी शब्द नहीं कहा। सुनीति बोली, बेटा सच बात तो यह है कि तुम्हारे पिता वो होते तो जरूर कुछ कहते। ध्रुव के हो सुड़ गए, मैया हमारे पिता वो नहीं है, फिर मेरे पिता कौन है। जवाब दिया सुनीति ने, बेटा तुम्हारे पिता भगवान है, परमात्मा है, राम है। बोले मेरा पिता कहाँ रहता है। सुनीति ने कह दिया, बेटा तुम्हारा पिता तो हर जगह रहता है। ध्रुव बोले, मां तुम झूठ कह रही हो, यदि मेरा पिता हर जगह रहता तो जिस समय मेरी मौसी मुझे मार रही थी मेरा पिता मुझे बचा लेता। सच बताओ मेरा पिता कहाँ रहता है, कोई ऐसी जगह बताओ मैया जहां मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए चले जाए। अरे मैया बूझे तो बता दे किस अठारह बस है तेरे बबूला जहां मैं जाऊं, मैया बूझे तो बता दे
थी बेटा। सुन बेटा नादान कोई नहीं ज्ञान कुमार बतला, हर थोड़ा रात मौजूद भेद समझा। ध्रुव की मां ने बेटा तुम्हारा पिता तो हर जगह, एक महात्मा जी पहुंच गए, महात्मा जी। और जब महात्मा जी पहुंच गए गांव में आवाज लगाई, गांव वालों ये दुनिया स्वार्थी है, दुनिया झूठी है, दुनिया मतलबी है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बिना मतलब का रिश्ता है। और जैसे ही बाबा जी ने आवाज लगाई सो एक लड़का घर से निकल के आओ, और जब आप दो क्यों महात्मा जी तुमने लाल पीले वस्त्र कर लिए, इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया बाबा बन जाए। महात्मा जी से लड़का बोला है तुमने वस्त्र रंग लिए, इसका मतलब हर आदमी महात्मा बन जाए। बाबा जी हमसे पूछो मेरे घर वाले मुझे कितना मानते हैं। और ये श्रीमान विनोद सिंह यादव जो ब्रजपुरा के रहने वाले हैं, जो माला से हमारा सम्मान कर रहे हैं, नोटों का हार पहना के सम्मान कर रहे हैं, भगवान सुख शांति दे, समाज में सम्मान मिले, बोलिए गोविंद भगवान की। महात्मा जी से लड़का बोला हमारे घर वाले हमें कितना मानते हैं, बोले कितना मानते हैं। तो लड़का बोला सुना मेरे घर वाले तो इतना चाहते हैं हमें, कितना चाहते, बोला सुनिए बाबा जी। अरे हमें स्नान करे भैया मेरे पैर पकड़ के धोते हैं, लड़का बोला मेरे घर वाले हमें बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं। हमें स्नान करे भैया मेरे पैर पकड़ के धोते, लड़का बोला हमारे घर वाले इतना मानते हैं, अगर हम हंसते हैं तो घर वाले सारे हंसते हैं, अगर हम रोते हैं तो घर वाले रोते हैं, अरे यहां तक जब हमें स्नान करते हैं मेरे भाई मेरी भाभियां हमारे पैर धोया करते। बाबा जी बोले लला काम का करता, लड़का बोलो काम कचना करते हैं पूरे दिन परे रात है। और कई फिर जब आप दो जो रात होती है सोई निकल जाते हैं भीटर के पास में, रोड पे खड़े हो जाता है, राइफल हाथ में है, आने जाने वाले यात्रियों को देखते रहते हैं कभी कभी। बाबा जी बोले इसका मतलब लूट मार करते हो, चोरी डकैती करते हो, पैसा पैदा करते हो, तुमसे घर वाले डरते हैं इसलिए तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसा करो तुम हमारे पास में आओ दो चार दिन दस दिन, हम तुम्हें बता देंगे तुम्हारा कोई है या नहीं है। लड़का के समझ में आएगी चलो बाबा जी कोई पहले देख ले बाद में कछो ये सो देखो जाए। महात्मा जी के आश्रम पे लड़का पहुंच गया, महात्मा जी ने बच्चे को योग विद्या सिखाना शुरू कर दिया, प्राणायाम योग साधना, श्वास को खींचना, श्वास को रोकना, श्वास को साध लेना। और जब बच्चे को सिखाया सामने वाले को ऐसा मालूम पड़े कि इस लड़के के शरीर से प्राण निकल गए, इस तरह से श्वास रोकना बाजी ने सिखा दिया। और जब लड़का सिक्के तैयार हो तो बाबा जी बोले लला अब घरे जाओ, और घरे जाए के जब कहियो कि आज हम रबड़ी खाओ चाहता है, और रबड़ी खाए को जब जाओ रबड़ी खाइयो ना, आंगन में पछाड़ खाए के गिर जाइयो, सांस को रोक लियो, हम तुम्हें आगे बताई दी तुम्हारो कोई है कि ना है। लड़का बोलो बाबा जी जल्दी आ जाइयो ना, कू घर वाए से पहले ही उठाए के जरा दे।
बोले ठीक है। अब लड़का घर पे आया, जवाब दिया रबड़ी खाना चाहते हैं। और कहे की देर रबड़ी जब बने के तैयार भाई, सुगन की पत्नी ने कही ले जी पानी मोद हो और रबड़ी खाओ। सुबिन ने जैसे ही लोटा में पानी हाथ में लाओ, अब बात तो ध्यान हती बाबा जी ने जब कही रबड़ी खाई हो ना, सांस को रोक लियो। सो उनके घर में एक छप्पर रहे, बा में एक सीधो सो खम्ब लगो रहे। सुबिन ने वह खम्ब में दोनों पैर फंसाए ऐसे, और पैर फंसाए के और लोटा को पानी दूर पछाड़ खाए के गिर गए, इठी गए, सांस रोक लाई। और पत्नी जैसे ही अंदर से निकल के बाहर आई, सोचन लगी जे काबा, और बा ने सीना पे हाथ धरो, सोचन लगी आए जे तो मर गए, और अवैस रोये तो जना जिंदा होता है, थोड़ी देर बाद रोये तो जना जिंदा होता है। और जब से ससुराल में आई रबड़ी आज पहली बार बनी है, अब रोई वो तो सब जिंदगी को ही है, वो पहले रबड़ी खाए ले फिर रोती रहे। सुबिन ने पहले खाई दोनों हाथ अंदर रबड़ी, पहले उनने खाई रबड़ी और सोई रोई वो चालू हुई गई, लला के छाती में घुसा मार मार रो लगी, हाय दैया तुम्हारे बिना रोई वो चालू। लेकिन लड़का के लिए कोई नहीं रो रहा है, घर वाले भी रोने लगे हैं, लेकिन लड़का के लिए कोई नहीं रो रहा है, सब मतलब के लिए रोते हैं। क्यों रो रहे हैं? एक तुम ही कुमार कमाते थे, क्यों रो रहे? अरे तेरे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे। घर वाले रो रहे हैं, तुम्हारे पीछे घर वाले बैठे बैठे खा रहे थे। कौन पैदा करेगा, कौन धन दौलत लाएगा? और पत्नी काय को रो रही, जहां से थोड़ी रो रही मरे गए। ये घरवाली जब रोने लगी, ये घरवाली जब रोने लगी, बोला साड़ियां लाएगा मेरे पिया तुम्हारे बिन, हमको वजवका को न मंगाएगा। पत्नी भी रो रही है, अब साड़ी कौन लाएगा, अरे गहने कौन लाएगा? लड़का के लिए कोई नहीं रो रहा। लड़का मन ही मन में सोच लो को बाबा जी तो सही कह रहे थे कि सब अपने मतलब से रो रहे, हमारे लिए तो कोई रो ही ना रहो। और तब तक महात्मा जी ने दूसरी गली में आवाज लगा दी द्वार पे, कोई दबा करा ले हमसे यदि तो फिर दबा कर देते हैं, एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। दूसरी गली में आवाज लगा रहे महात्मा जी, ओ ये घर में बड़ी भीड़ लगी है, बड़ी लंबी भीड़ लगी है। गांव वाले बोले देखो भैया, अब लड़का तो मर ही गया है, अब रोने से क्या फायदा, बिना मतलब में चिल्ला रहे हो, ऐसा करो लड़का को उठाओ और ले चलो। हाय लड़का मन ही मन में सोचन लगो बाबा अब ना आओ, महात्मा अब ना आओ, जे तो विचार बनाए रहे जराए बे को। और जैसे ही लड़का को उठाए बे को चले सो लला, तो अब सुनता तो सब परे, लला ने और पैर कर रहे कर लाए, और पैर कर रहे कर लाए। और जैसे ही उठाओ सो पैर जो रहे सो बम फंसे, और जब खूब कोशिश करी पैर ना निकले, तो गांव वाले बोले देखो ऐसो करो, अब जे पैर निकलना है रहे ताजो, ऐसो करो तुम जे मतलब खम काट दे जो पैर निकल जाए। पत्नी पास में खड़ी थी, पत्नी धीरे धीरे रो रही थी। पत्नी बोली का कह रहे हो, जे खम्ब काट दे, तुम्हें मालूम है हमारे मायके में जब बताई जाती है, जब कोई मर जातू है तो बाकी दर्द ना होतु है, जब कोई मर जातू है तो बाकी दर्द ना होतु है। अब जे तो मर ही गए, इनके बाद इतो सीधो खम्ब ढूंढ के को लया, जे छप्पर मर गए या ताज है जू, जे तो मर ही गए, अब ऐसो करो हम गड़ासी ले आती तो मैंने पाए काट दे। बाबा जी तो उधर है, लड़का सोचने लगा बाजी बा। महात्मा जी द्वार पे तब तक धीरे धीरे पहुंच गए, और जैसे ही महात्मा जी ने कही एक ही खुराक में मुर्दा जिंदा हो जाएगा, सो गांव वाले ने बाबा जी को पकड़ो, अरे काऊ ने सीधो ही उठा लाओ, अगर हमें डाके छोड़ दो। कही बाबा जी देखो अबे बेचारे को चार महीना
आना है भाई। अब महात्मा जी ने जैसे ही देखा, अब काऊ बात की दिक्कत ही ना, बिन्ने तो सांस रोकी थी। महात्मा जी बोले देखो भैया ऐसा करो, लड़का तो मर ही गया है और तुम लोग सब रो रहे हो, एक लोटा दूध मंगाओ। अब लोटा भरे दूध की बात, वो बांटिन दूध इकट्ठो हो गयो। थोड़ी देर में महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी बंद की और उस दूध में दूध में थोड़ी सी राख डाल दी। महात्मा जी बोले किसी ने देखा हमने इस दूध में क्या डाला है? लोग बोले देखो तो है लेकिन जाना है मालूम का डारो जावे कुछ डारो है। बाबा जी बोले इसमें हमने जहर डाला है। जहर? बोले क्यों? जवाब दिया जहर इसलिए डाला है जो भी इस दूध को पिएगा वो तो मर जाएगा, उसके बदले में लड़का जिंदा हो जाएगा। जवाब दो, महात्मा जी ने जो कोई जो दूध को पिए सो तो मर जाए, जो लड़का जिंदा हो जाए। गांव वाले सोचन लगे कहूं ऐसो न हो जबरदस्ती पकड़ के पिवाए दो जाए, तासे धीरे 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 बे तो एक एक करके सब निकल गए। अब लड़का के घर वाले बचे, सबसे पहले लड़का के पिता से कही कि ऐसा करो तुम जो दूध को पी जाओ, क्या करोगे दुनिया में रह के, तुम्हारा जवान लड़का खत्म हो गया, तुम जो दूध को पी जाओ तुम मर जाओगे लड़का जिंदा हो जाएगा। और डुकरा बोलो बाबा जी दूध को तो हम पी जाए, दूध तो हमने बहुत पियो, देखो ना दूध की कोई बात ना है, दूध तो हमने बाबा जी खूब पियो, दूध पीने की कोई चिंता ना है, चिंता जबात की है अगर दूध हमने पी लो और हम मर गए तो हमारी डुकरिया की खुआरी हुई जाए। बाबा जी बोले तुम आटो पीछे। मेरे कई लड़का की अम्मा से कही अब ऐसा करो तुम दूध को पी जाओ। हाय बुढ़िया सोचने लगी मन ही मन में, जब डुकरा ना पियो तो अब हम कैसे पी जाए, मन में सोच रही। बाबा जी बोले पी जाओ मर जाओगी केवल तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। अब बुढ़िया बोली बाबा जी तुम तो समझदार हो, अगर दूध हमने पी लो और हम मर गई, हमारे मरने के बाद हमें अपने मन की चिंता ना है, हम तो मरिया जाए लेकिन दुख जब तक है घर से 1 किलोमीटर दूर समर लगी है, शाम को डुकरा किलो सोतू है, कोई अच्छी बुरी चीज बनती है जो ले हम जिंदा तो ले डुकरे खवाए आती ताजे जजिए तब घरिया हम पे नहीं ली ली जाइए। मेरे कई लड़का की भोजन से कही तुम पी जा, भोजाई बोली को पिए सो जा को मरेगा वो सो हमाओ तो हम। कई लड़का की पत्नी से कही तुम पी जाओ, पत्नी सोचने लगी जब काऊ ना पियो अब हमाओ तो डम्बर आई गौ है। बाबा जी बोले देखो तुम पी जाओ, पी जाओ तुम पी जाओ और जब तुम पी जाओ तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा और क्या करोगी दुनिया में। अब पत्नी बोली बाबा जी क्षमा करना, जब दूध हमने पी लो और हम मर जाए ताके बाद जे जिंदा हुए, तुम तो समझदार हो जरा समझो, हमारे मरबे के बाद जे जिंदा हुई तो इनके जिंदा हुए से हमें सुख कहाँ मिली है, हम तो मरिए जाइए तब जे जिंदा हुई तो हमारे मरबे से इनके जिंदा हुए से हमें का सुख मिली है, अब जे मर गए तो मर गए हमारे तो मायके में हो चली आएगी। हम कहूँ सब घर राजी हो तो सब चिल्ला के बोली उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। महात्मा जी बोले दूध को हम पी जाए तो कैसे रही है? सब बोले बहुत बढ़िया बाबा जी तुम्हारे जैसे। आहा क्या बात है, पी जाओ। कौन रोने वालों बैठो न जाने कितो दुनिया में बाबा रोज तैयार हो जाते है। बाबा जी बोले हम भी ना भरवा दी हो तब सब चिल्ला के बोली उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी। महात्मा जी ने दूध का लोटा उठाया और महात्मा जी ने दूध जैसे ही पिया लड़का के सर में हाथ मारा, खड़े हो जाओ देख लो तुम कह रहे थे हमारे सब है। और लड़का जैसे ही खड़ा हुआ पत्नी आगे बढ़ी, लड़का पीछे हट गया, ना 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 देख लिया दुनिया का सारा कल्याण, ना हम किसी के ना कोई।
उसी दिन से लड़का महात्मा जी के साथ चला गया। जवाब दिया ध्रुव ने, मां ये संसार स्वार्थी है, हमें क्षमा करना, जिंदा बने रहे तो तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा तुम ये जान लेना मेरे कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। ध्रुव बन के लिए जिस समय प्रस्थान करते हैं, उधर सुरची के कहने पर उत्तान बाद ने मंत्री से कहा, ध्रुव को समझाओ, दुनिया के लोग हमारी बुराइयां करेंगे, छोटी सी उम्र में ध्रुव वन में जा रहा है,